आर्यन एक बार बाजार गया था, उसे कुछ खरीदना था। उसका जो सामान था वह 200 रुपए का हुआ। उसने 500 रुपए दे दिए और शॉपकीपर से 300 रुपए ले लिए। पैसे लेते ही उसके दिमाग में एक सवाल आया कि इस दुनिया में हर चीज बढ़ाने और घटाने के पैसे लगते हैं, तो गवर्नमेंट को एक नोट छापने में कितना चार्ज लगता होगा। आपके दिमाग में भी ये सवाल आया है ना? चलो इसका आंसर मैं बताता हूँ। आरबीआई के अनुसार 10 रुपीज छापने के लिए 96 पैसे लगते हैं, 50 रुपीज छापने के लिए 1 रुपीज 17 पैसे लगते हैं, 100 रुपीज छापने के लिए 1 रुपीज 77 पैसे लगते हैं, 500 रुपीज छापने के लिए 2 रुपीज 99 पैसे लगते हैं। अगर बात करें 1 रुपए की सिक्के की, तो उसका 1 रुपीज बनाने में 1 रुपीज 11 पैसे लगते हैं, मतलब बनाने के अमाउंट से 11 पैसे ज्यादा। इसकी एक वजह ये हो सकती है कि हम इसे लॉन्ग टाइम तक कंजर्व करके रख सकते हैं।